थंबनेल में सही पढ़ा आपने, मंदिर जहां चावल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर को दक्षिण का काशी क्यों कहा जाता है पूरा इतिहास बताऊंगा। मंदिर के अंदर शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगा, दो दो शिवलिंगों के, तो अंत तक बने रहिएगा वरना कुछ ना कुछ छूट जाएगा। हम लोगों को हम्पी के मंदिरों के दर्शन के लिए जाना था, पर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी तो ब्रेक जर्नी की और ट्रेन हुबली तक की बुक कर ली। तो सोचा मंदिर के हम्पी जाने से पहले जो भी मंदिर हुबली से आएंगे वो क्यों ना करके जाया जाए, और क्योंकि इस मंदिर के बारे में सुना था कि इसे दक्षिण का काशी कहा जाता है तो हमने यहीं पर जाने का सोचा। तो आप भी कभी हम्पी के दर्शन करने जाएं तो यहाँ दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। आप हुबली से भी जा सकते हैं, और हुबली के आगे स्टेशन आता है गड़क, गड़क से 20 किलोमीटर दूर है, कर्नाटक की धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एन्नीगिरी तालुका में है अमृतेश्वर मंदिर। सरकार से परमिशन लेकर मंदिर के शिवलिंग को छोड़कर बाकी गर्भगृह का वीडियो आप निकाल सकते हैं। मंदिर की नक्काशी देखकर आप समझ ही सकते हैं कि पुराने समय में ये कैसे की गई होगी। मंदिर के मुख्य गर्भगृह के द्वार पर 20 मुद्राएं बनाई गई हैं महादेव की, उसकी आप वीडियो शूटिंग उतार पाएंगे। जब भी यहाँ जाएं तो खास चावल और अनाज का दान करें, क्योंकि यहाँ पर भगवान को और कोई भेंट नहीं दी जाती, कपड़े वगैरह कुछ नहीं चढ़ाया जाता, सिर्फ भगवान को चावल का और अनाज का भोग लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ माना जाता है कि चावल का भोग लगा के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कम से कम बाहर से कुछ चावल या अनाज लेकर मंदिर में ज़रूर दें, और अगर संभव हो तो मंदिर के भंडारे में लिखवाया जाता है और यहाँ पर दो टाइम भंडारा किया जाता है। यह मंदिर यूनेस्को में शामिल है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज विश्व धरोहर में शामिल है, जिसका संरक्षण खुद सरकार करती है। सांस्कृतिक और पॉलिटिकल राजधानी रही थी ये किसी समय पर एन्नीगिरी। और यह मंदिर 1184-89 में बेलावा राज्य का ये हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये देख रहे हैं यहाँ पे कुआं है। चोलक्य राजा और सोमेश्वर राज्य की यह राजधानी हुआ करती थी। ये शिवलिंग के दर्शन करिए, और अंदर के मुख्य शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगा, जिसका वीडियो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन आपके भाग्य में लिखा है। ड्रेविडियन स्टाइल यानी ड्रेविडियन आर्किटेक्चर से बना है यह मंदिर। और भी मंदिर के पास में बहुत मंदिर हैं, जैसे कि रामलिंगा, बानाशंकरी, हायर हनुमान और कंबाड़ा हनुमान, उनके भी दर्शन करने ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अभी मंदिर की कथा सुनाता हूँ यहाँ के अंकल से जो यहाँ सर्विस करते हैं। अमृतेश्वर मंदिर है, ये जागृत मंदिर है, ये मंदिर दक्षिण काशी है सर, ये है उत्तर काशी एंड दक्षिण काशी, शिव का घर है, ये मेन रुद्रभूमि है सर, ये प्लेस शिव का घर है, ये जागरता प्लेस है, दार डिस्ट्रिक्ट में नवनूर तालुक में, यानीगर तालुक में, ये इम्पोर्टेंट प्लेस, बिग टेम्पल है। इसको काशी क्यों बोला जाता है? इक्विवेलेंट प्लेस शिव का घर है सर, ये रुद्रभूमि है। अच्छा, ये डेथ बॉडी ट्रीटिंग प्लेस मीन्स रुद्रभूमि नाम है ना, जैसे काशी है। हाँ, इक्विवेलेंट काशी, ये उत्तर काशी है, ये दक्षिण काशी, दक्षिण काशी, ये सभी जाग में शिव का इष्ट बिलपत्री डालने का, अभिषेक डालने का, भगवान खुश होगा। ये मंदिर से ये भगवान का स्थल पुराण में ये रईस विनियोग करने के लिए, प्रसाद विनियोग करने के लिए भगवान खुश होगा। अच्छा। ये नाम अन्नगिरी अमृतेश्वर, अन्नगिरी अन्न मीन्स रईस, अन्नदानम, अन्न मीन्स रईस, रईस हिल, रईस हिल का भगवान है। अच्छा। रईस विनियोग करने के लिए भगवान खुश होगा, ये पाप विमोचन करने के लिए। अच्छा।
ये भगवान का यहाँ पे राइस चढ़ाते हैं तो पाप विमोचन मुक्ति मिलता है, मुक्ति है सर। ये पैसा बहुत दिया तो दिया, ये वस्त्र दिया तो दिया, वांट सो मेनी वांट है, खत्म नहीं। ये राइस खाने के लिए ये थोड़ा राइस डालने का तो समर्पण, भगवान प्रसन्न होगा। हाँ प्रसन्न होगा, मैन प्रसन्न होगा। अन्न की चीज का दान करने का दान श्रेष्ठ दान है, अन्न की दान श्रेष्ठ दान है। ये श्रेष्ठ दान, ये भगवान का ये प्रसाद है। ये दो टाइप प्रसाद विनियोग करने के लिए है सर। एक राइस में लिंगम बनाते हैं, ये मॉर्निंग लिंगम बनाते हैं, सायंकाल ये वर्शिपिंग करने के लिए, विसर्जन करने के लिए प्रसाद विनियोग। ये टाइप प्रसाद विनियोग है। एक महादासोग, ये प्रसाद राइस सांबार ये पुड़ी वगैरह रेडी करने के लिए, सभी लोगों को प्रसाद विनियोग करने के लिए भगवान खुश होगा। हाँ सर, और जागृता प्लेस है। दिसंबर मंथ में हच्चल होने में हमें जात्रा है। ये शिव पार्वती का ये मंदिर से सांकेतिक मैरिज है, कल्याण उत्सव। शिव पार्वती का कल्याण उत्सव है सर, कल्याण उत्सव। हाँ शिव मतलब पार्वती का कल्याण उत्सव, अमृतेश्वर एंड काशम्मा का कल्याण उत्सव सर। नेक्स्ट दिन यात्रा है, महारथोत्सव, विवाह मैरिज। हाँ मैरिज एंड महारथोत्सव दोनों कार्यक्रम, सभी बहुत बड़ा आनंद है सर। अगर आपने ये मंदिर का दर्शन किए हैं तो ऐसे ही एक हजार मंदिर को दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल रोजक मंदिर का दर्शन।